करते हैं बराबर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का मुझे यहाँ पे दावत देने के लिए। आज के इस प्रोग्राम का जो मौजू है, यकीनन इससे खूबसूरत मौजू जिसके ऊपर बात की जा सकती है नहीं हो सकता इस दुनिया में, सीरतुल नबी। यहाँ पे जो है मुझसे काफ़ी बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो इस मौजू को मुझसे बेहतर जानते हैं और जिन्होंने अमली तौर पर सीरतुल नबी को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया और अपनी अमली ज़िंदगी से वो जो है सीरतुल नबी को बाकी लोगों तक पहुँचा रहे। इनकी जो खिदमत है वो हम तक पहुँच रही है और इनकी जो जो खिदमत है उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगा कि देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बड़ी मिसाल हमें नहीं मिलती इस दुनिया में और इस बात को सिर्फ हम मुसलमान कबूल नहीं करते बल्कि इस बात को पूरी दुनिया के लोग कबूल करते हैं। हत्ता के एक अंग्रेज राइटर है जिसने एक किताब लिखी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड के 100 ऐसे लोग जिनका दुनिया में सबसे ज्यादा असर रहा, माइकल एच हार्ट नाम था जिसने ये किताब लिखी और इस किताब के ऊपर उसने सबसे पहला नाम लिखा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ये ऐसी शख्सियत है जिससे बेहतर शख्सियत कभी भी ना पैदा थी ना है और ना कभी ऐसी शख्सियत आ सकती है इस दुनिया में। ये एक अंग्रेज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखते हैं तो सोचें कि वो कितनी बड़ी शख्सियत हो सकती है। ये वो शख्सियत है कि जिनके ऊपर पत्थरों की बारिश की गई, पत्थर बरसाए गए जिनके ऊपर, लेकिन उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया बल्कि हाथ उठा के उनके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला इनको हिदायत अता करे। जिस तरह अभी मौलाना साहब ने बात की कि फरिश्ते पूछने के लिए आगे कि अगर आप हुक्म दे दें हम इस बस्ती को दो पहाड़ों के दरम्यान में कुछ कर देंगे, लेकिन उन्होंने इनकार किया कि अगर ये नहीं तो इनकी आने वाली नस्ल में से कोई इस्लाम कबूल करेगा। और ऐसा ही हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ताइफ से उठता है और वो आगे सिंध को फतह करते हैं और सिंध में बरसगीर में इस्लाम फैला देता है। सोचे ये कितना बड़ा काम हो गया। और ये वही हस्ती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको आज हमारी उम्मत, हमारे नौजवान जिसको भूल गए, भुला दिया है जिसको हमने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे नौजवान पूरे पाकिस्तान के नौजवानों की अगर मैं बात करूं तो वो इंस्पायर होते हैं वेस्ट से ज्यादातर। वो उनकी जिंदगी से, उनके कल्चर से, उनके रहने के अंदाज से बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम अपना जो रास्ता है हमारा हम उस रास्ते को भूले। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, जो इस्लाम ने हमें सिखाया, जो कुरान ने हमें सिखाया, उसको हमने भुला दिया है और उसको भुला कर जब हम वो भूल गए अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है तो अब हमें उनकी जिंदगी ज्यादा बेहतर लगती है और हम उसको अपना रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है, हम तो ये सोचते हैं कि अगर तुमने कामयाब होना है तो तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम डिग्री हासिल करो, तुम कोई बड़ी कंपनी में नौकरी करो, ज्यादा पैसे कमाओ, बड़ी गाड़ी में घूमो, बड़ा बंगला बनाओ, इसको हम कामयाबी समझते हैं, जो कि बिल्कुल कामयाबी नहीं है। कामयाबी से मुराद बड़ा बंगला बनाना नहीं है बल्कि कामयाबी से मुराद ये है कि आप छोटे एक कच्चे मकान में भी रह रहे हो, खाने को कुछ है वो भी ना आपके पास, लेकिन फिर भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कम से कम तूने जिंदगी तो हमें दी जिसमें हम तेरी इबादत करें, आप सब्र करो, इसे असल कामयाबी कहते हैं। और यही चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है जिसको हम भूल चुके हैं। तो शॉर्ट में मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, इस दुनिया में भी कामयाब होना है, आखिरत में भी कामयाब होना है, तो सीरतुल नबी और कुरान ये ऐसी चीज है हमारे पास
एक ऐसा टूल है जिसके बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। इस दुनिया में तो कामयाब हो जाएंगे लेकिन आखिरत में रह जाएंगे। तो अगर हम इस चीज को पकड़ते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं, सिर्फ बोलते नहीं है बल्कि अमल करें अपनी जिंदगी में, क्योंकि बोलता तो हर कोई है लेकिन अमल कुछ लोग करते हैं, और जो लोग अमल करते हैं आज भी उनके नाम आप सबके सामने है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, 1400 साल हो गए इनकी इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, लेकिन 1400 साल बाद भी आज भी लोग उनको याद रखते हैं अच्छे अल्फाज में। किस चीज की वजह से? इसी सीरतुल नबी की वजह से और इसी कुरान और इस्लाम की वजह से। तो अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हम भी कामयाब हो जाएंगे और फिर हमें भी आने वाले दौर में लोग इसी अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे। तो मैं मुख्तसर वालदैन को ये पैगाम देना चाहता हूँ आज के इस प्लेटफॉर्म से कि अपने बच्चों को इंस्पायर ना करो अंग्रेजों से। हमारे वालदैन ही बच्चों को कहते हैं ना, उनका ही तो असर होता है बच्चों के ऊपर कि तुम बड़ी डिग्री हासिल करो, अच्छी तालीम हासिल करो, तुम पैसे कमाओ, नौकरी करो। ये वालदैन ही अपने बच्चों को इस रास्ते की तरफ मोटिवेट करते हैं। तो अगर वालदैन बजाय ये कहने के तुम कोई अच्छी नौकरी हासिल करो या अच्छी डिग्री हासिल करो, बजाय ये अगर ये कहे कि तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सीखो, उनकी जिंदगी के ऊपर अमल करो, तब जाकर तुम कामयाब हो गए, तो फिर इस्लाम का हर एक बच्चा सीरतुल नबी को फॉलो करेगा। अगर वालदैन अपने आप में ये तब्दीली है तो तब्दीली अगर हम अपने नौजवानों को सिखाना चाहेंगे तो वालदैन का बहुत बड़ा किरदार होगा इसमें। सिर्फ और सिर्फ वालदैन का भी नहीं बल्कि स्कूल्स और कॉलेजेस में, और एक बच्चा जिस माहौल में रहता है उस माहौल में अगर उस बच्चे को 24 घंटे ये सिखाया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते कैसे थे, बैठते कैसे थे, बातचीत कैसे करते थे, उनका रवैया क्या होता था लोगों के साथ, अगर ये छोटी छोटी चीजें भी इंसान इसके ऊपर अमल करना शुरू करे तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद तब्दील होना शुरू हो जाएगी। तो ये बातें थी जो मैं कहना चाहता था। एंड में सिर्फ यही कहूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल होने चाहिए। आजकल हमारे आइडियल बदल चुके हैं, कोई किसी और को आइडियल बना रहा है, कोई बाहर ममालिक के लोगों को आइडियल बना रहा है। हम अपनी तारीख को भूल चुके हैं, अपने दीन को भूल चुके हैं। अगर हम इसको पकड़ लें, मजबूती से पकड़ लें और अल्लाह से ये दुआ करें कि ऐ अल्लाह तू हमें इस पर इस्तकामत अता कर, क्योंकि सबसे बेहतरीन चीज इस्तकामत ही है। बड़े ऐसे लोग थे जो दीन को फॉलो भी करते थे लेकिन इस्तकामत नहीं होती, जिसको कहते हैं ना दरे रोजी जज्बे के खत्म मशीन। इसको अगर आपने खत्म करना है और ये जज्बा कायम रखना है तो अल्लाह से इस्तकामत की दुआ करें आप सब लोग। अल्लाह ताला हम सबको सीरतुल नबी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम के ऊपर कुरान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। चाहूंगा चूंकि आप लोग स्कूल के तुलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे गौर से सुने, और सिर्फ सुने नहीं बल्कि इन बातों के ऊपर गौर करें, फिर उसके ऊपर अमल भी जरूर करिए। एक बेहतरीन स्टूडेंट कौन होता है? वो स्टूडेंट जो हमेशा बाकी स्टूडेंट से मुख्तलिफ रहे, बाकी स्टूडेंट से अलग रहे, वो कौन होता है? जिसको जिसकी रिस्पेक्ट की जाती है स्कूल में, जिसको इज्जत दी जाती है स्कूल में, जो हमेशा बाकी स्टूडेंट से आगे निकल जाता है, वो स्टूडेंट कौन होता है? इसके ऊपर मैं आज बात करना चाहूँगा। देखिए, एक बेहतरीन स्टूडेंट में सबसे पहली आदत जो आप देखोगे, सबसे पहली आदत जो एक बेहतरीन स्टूडेंट में आप पाओगे, वो है एक स्टूडेंट का डिसिप्लिन रहना। और इसमें कोई शक नहीं है, आप लोगों के बैठने का सीक्वेंस मैंने देखा, आप लोगों का प्रोग्राम मैंने देखा, माशाल्लाह यहाँ पे जो बच्चे आए, जिस तरीके से उन्होंने अभी परफॉर्म किया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों को वेल डिसिप्लिन्ड बनाया जा रहा है इस स्कूल में। और मुझे उम्मीद है कि और भी बेहतर डिसिप्लिन्ड किया जाएगा आप लोगों को, क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान हमेशा जो है उसकी इज्जत को बचा के रखती है। कैसे? अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी जगह पे पहुंचना हो, आप एक टाइम का बताते हो कि मैंने इस टाइम पे मैं आपके पास पहुंच जाता हूं, फिर आप नहीं पहुंचते, जिस तरह आज मैं लेट हुआ हूं,
तो क्या होता है, दूसरा इंसान आपके बारे में फिर सोचते है यार इसने इस वक्त का मुझे कहा था कि आएगा लेकिन फिर नहीं पहुंच पाया, तो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव बन जाता है लोगों के जहन में आपके लिए। तो लिहाजा डिसिप्लिन बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस लिहाज से। और डिसिप्लिन से मुराद सिर्फ टाइम टेबल या टाइम को मैनेज करना नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन से मुराद अपनी पढ़ाई के ऊपर या जिस फील्ड से आपका ताल्लुक है उस फील्ड के ऊपर फोकस करना, इसे भी हम डिसिप्लिन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप में से बच्चे जो है, आप अभी जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, बायोलॉजी के सब्जेक्ट, फिजिक्स के सब्जेक्ट, उर्दू इंग्लिश मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो अपनी इस पढ़ाई के साथ अपने आप को रिलेट रखना, अपनी इस पढ़ाई के ऊपर फोकस करना, चाहे आप क्लासरूम में हो या क्लासरूम में ना हो, इसको भी डिसिप्लिन कहा जाता है। अगर आप स्कूल से छुट्टी लेकर घर जाते हो और घर जाकर आप बिल्कुल बैग को एक जगह पे फेंक देते हो, कपड़ों को किसी और जगह पे फेंक देते हो, बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, इज्जत नहीं देते अपने किताबों को, अपने यूनिफॉर्म को, तो ये डिसिप्लिन में शामिल नहीं होता। अगर आप घर जाते हो और आपके जहन में ये होता है कि मैंने अपने कपड़े, अपने बैग, सब कुछ मैंने डिसिप्लिन करके रखना है, और फिर एक टाइम टेबल के मुताबिक मैंने जो स्कूल में आज पढ़ा है उसको मैंने दोबारा रिपीट करना है ताकि बेहतर तरीके से मैं उसको समझ सकूँ, इसे हम डिसिप्लिन कहते हैं, जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स में पाया जाता है। हमारे यहाँ पे अक्सर ज़्यादातर यही होता है कि जितने भी बच्चे होते हैं वो स्कूल में तो पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल के बाद जब घर जाते हैं तो कोई बच्चा गेम खेलता है, कोई यूट्यूब देखता है, कोई कार्टून देखता है, कोई दोस्तों के साथ खेलने बाहर चला जाता है, घूमने फिरने बाहर चला जाता है, तो वो जितना भी सबक होता है जो सुबह से वो स्कूल में पढ़ता रहा वो सारा उसके जहन से निकल जाता है, वो भूल जाता है सब कुछ, ये डिसिप्लिन में शामिल नहीं होता। और अगर इसी तरीके से चलते रहे तो तभी कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे ज़िंदगी में, याद रखो। तो लिहाजा अपने आप को डिसिप्लिन बनाओ, अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, किसी और से मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद बैठो और अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ अपने लिए कि सुबह किस टाइम उठना है, नमाज किस टाइम पढ़ना है, उसके लिए तैयारी मैं कैसे करूँगा, स्कूल किस वक्त मैंने जाना है, कौन सी क्लासेस पहले अटेंड करनी है, कौन सी बाद में करनी है, और फिर जो मैं पूरा सबक पढ़ता हूँ स्कूल के अंदर उसको मैंने रिपीट किस टाइम पर घर जाके करना है, ये इस तरीके से अपने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। और उस टाइम टेबल में अपने लिए चलो एंटरटेनमेंट आप लोगों का हक है, हर बच्चा मतलब हर इंसान का हक है कि वो खुद को एंटरटेन करे, एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम डालो उस टाइम टेबल के अंदर, लेकिन एक लिमिट के साथ। लिमिट क्रॉस करोगे तो फिर एडिक्शन हो जाएगी, और जब एडिक्शन हो जाती है तो फिर ये बहुत मुश्किल होता है इंसान उस हैबिट को अपने आप से ख़त्म करे। तो लिहाजा अपने पूरे दिन को टाइम टेबल बनाओ, और जब आप टाइम टेबल बनाओगे खुद को तो आप खुद बहुत डिसिप्लिन हो जाओगे। डिसिप्लिन पॉइंट के अंदर मैंने एक बात कर दी फोकस के हवाले से, उसको मैं थोड़ा इससे बाहर एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि फोकस क्यों ज़रूरी है। देखिए एक स्टूडेंट के लिए फोकस इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप फोकस नहीं करते अपने, हमारे साथ ऐसा ही होता है जब ना क्लासरूम की हो जैन हम अबल चढ़ता रहानी, जैन हम क्रिकेट के रहानी, पगेमुनू के रहानी, ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है क्लासरूम में बैठ कर, हमारा ध्यान कहीं और होता है, बैठे तो क्लासरूम में है, मेंटली हम किसी और जगह पे मौजूद होते हैं, फोकस नहीं होता जो टीचर पढ़ा रहा है, जिसकी वजह से हमारे तलबा को कुछ समझ नहीं आता, और जब इम्तहान आते हैं तो उनको चीटिंग का सहारा लेना पड़ता है, नकल करनी पड़ती है। तो जब आप क्लासरूम में बैठ के फोकस रहोगे जो आपको पढ़ाया जा रहा है और फिर आप उसको रिपीट करोगे, तो याद रखो कभी नकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, जब आपको एक चीज़ की समझ आएगी, और समझ कब आएगी जब आप फोकस करोगे अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये चंद स्टूडेंट से रिलेटेड बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उसके अलावा मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि अपने लिए अपनी ज़िंदगी में एक मकसद बनाओ। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं कभी डॉक्टर बनना चाहते हैं, फिर बाद में उससे पूछो तो इंजीनियर बनना चाहेंगे, फिर बाद में पूछो तो आर्मी ज्वाइन करना चाहेंगे, फिर पूछो तो एयरफोर्स में जाना चाहेंगे, फिर पूछो तो बाहर जाके पढ़ना चाहेंगे, कोई एक खास टारगेट नहीं होता उनकी ज़िंदगी का। तो अपना एक खास मकसद बनाओ कि आपने जो पूरी ज़िंदगी जीनी है इसमें आप क्या करोगे अपनी इस पूरी ज़िंदगी से, जो आप जितनी भी उम्र होगी आपकी 40 साल 50 साल 60 साल, इस 60 साल की उम्र के अंदर या इस 40 साल के अरसे में आपने ऐसा क्या काम करना है, ऐसा क्या कारनामा सर अंजाम देना है कि फिर लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें, या उससे लोगों की मदद हो, ऐसा क्या काम करोगे आप, इस बात को अपना टारगेट बनाओ। जब आप इसको अपना टारगेट बनाओगे कि मैंने करना क्या है अपनी ज़िंदगी में, या मेरी ज़ात से और लोगों को फ़ायदा कैसे पहुँचेगा, तब जाके आप आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में और लोग आपको इज्जत देंगे। और जितने भी असातिज़ा यहाँ पे मौजूद है मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ, और जितने भी पेरेंट्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स की हमारे यहाँ पे सोसाइटी में पेरेंट्स की बहुत बड़ी शिकायत होती है कि हमारे बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते पढ़ाई में, वो लर्निंग में इंटरेस्ट नहीं लेते,
वो ज़्यादातर गेम्स की तरफ, इन चीज़ों की तरफ और ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उन चीज़ों में, लेकिन जो मेन चीज़ है पढ़ना या तालीम, उसमें बच्चों का इतना खास इंटरेस्ट नहीं होता। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने पढ़ाने के जो तरीके हैं, हमने इसको बहुत ज़्यादा, मतलब कहना मैं ये चाहता हूँ कि हमने जो पढ़ाते हैं हम अपने बच्चों को जिस तरीके से, वो बहुत ज़्यादा पुराना भी है। और हम बच्चों को जो है एक टॉपिक हम बहुत लंबे टाइम तक उसको पढ़ाते रहते हैं, एक चीज़ उसको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक पढ़ाते रहते हैं, और जो चीज़ बच्चा पढ़ रहा है उसको उसकी अहमियत का नहीं पता, जिसकी वजह से बच्चा इंटरेस्ट नहीं रहता अपने काम में। बच्चा स्कूल तो आता है, इलम तो हासिल करता है, तालीम तो हासिल करता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैंने तालीम हासिल करके करना क्या है। हम तो उसको ये बताते हैं कि डिग्री हासिल करो और अच्छे नौकर बन जाओ। वो ये सोचता है कि डिग्री, अगर अच्छी नौकरी करनी है तो डिग्री क्यों की जाए, तो उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है तालीम से, क्योंकि उसको तालीम की अहमियत का नहीं पता। अगर हमारे असातिज़ा इस तरीके से सेशंस रखेंगे बच्चों की अवेयरनेस के लिए और पेरेंट्स की अवेयरनेस के लिए भी, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स या बच्चों का जो मेन उनको सिखाने वाले होते हैं वो उनके पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आके वो 8 से 10 घंटे आपके साथ गुजारते हैं, बाकी पूरा दिन उनका घर में होता है अपने वालिदैन के साथ, भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो अगर आप उनके लिए अवेयरनेस सेशन ऐसे बनाओगे कि जिसमें आप उनकी तरबियत करो कि बच्चों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है और बच्चों की तरबियत कैसे करें, तो जब आप वालिदैन की तरबियत करोगे इस लिहाज से, तो आपके बच्चे खुद बखुद ट्रेन होना शुरू हो जाएंगे और फिर हर एक क्लासरूम से आपका हीरा निकलेगा, हर एक क्लासरूम से आपका ऐसा बच्चा निकलेगा जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान और आपके स्कूल का नाम रोशन कर देगा, अपने वालिदैन का नाम रोशन कर देगा। तो अपने स्टूडेंट्स को तरबियत दें, हम तो उनको तालीम तो देते स्कूल में, उनको तरबियत नहीं देते हम लोग, जो और भी बहुत बड़ी चीज़ है। तरबियत अगर हम इन नौजवानों को देंगे तो याद रखिए, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा, दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, तो अगर हम इनको तरबियत देंगे तालीम के साथ साथ, तब जाके ये आगे बढ़ेंगे। अगर आपके बच्चे कार्टून देखते हैं, आपके बच्चे गेम खेलते हैं, खेलें, लेकिन आप उसको सिखाएं तो सही कि आपने कितने वक्त तक खेलें। हम बच्चों के हाथ में मोबाइल तो पकड़ा देते हैं, लेकिन ये नहीं समझाते कि आपने इस मोबाइल से क्या फ़ायदा हासिल करना है। ये जो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और हम लोग आज भी जो है गेम्स और कार्टून्स और इन चीज़ों में हमारे बच्चे अभी भी फंसे हैं। और दुनिया कहाँ से कहाँ, अभी अभी फेसबुक ने जो है मेटावर्स लॉन्च किया, जिसके ज़रिए पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया में जितनी भी आपकी फील्ड्स होंगे वो सब वर्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब आप बैठे घर में होंगे, लेकिन आपका काम दुबई में चल रहा होगा, आपका काम अमेरिका में चल रहा होगा, आपका काम किसी और कॉन्टिनेंट में, किसी और मुल्क में चल रहा होगा। आप दुनिया इस लेवल तक पहुँच चुकी है, लेकिन हम अभी भी इस चीज़ में अटके हुए हैं कि अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो, हम अभी भी इस चीज़ में अटके हुए हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, इसको अगर ख़त्म करना है तो अपने बच्चों की सही तरीके से तरबियत करें, उनको मोबाइल दें, लैपटॉप दें, लेकिन उनकी अच्छी तरबियत करें, तब जाके ये बच्चे जो है इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे अपनी पढ़ाई में। तो ये चंद बातें थी जो मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ। एंड में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चों को, ये जितने भी बच्चे हैं, ये असातिज़ा की और ये जितने भी पेरेंट्स हैं, उनके सबकी ज़िम्मेदारी है कि उसको तालीम के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, इस जदीद दौर और जिद्दत के साथ साथ उसको अपना दीन भी सिखाएं, अपनी तारीख भी बच्चों को सिखाएं, क्योंकि हम अपनी तारीख को भुला चुके हैं, हम अपने दीन को भुला चुके हैं। अगर हम इसको पकड़ें और बच्चों को तालीम और तरबियत के साथ साथ, बल्कि तालीम और तरबियत ही उसी तरीके से करें जिस तरीके से हमारा दीन हमें सिखाता है, इस्लाम हमें सिखाता है, तो आपकी पढ़ाई, आपका सबक, आपके जो फील्ड है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है, उसमें फिर अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। तो हमारे बच्चों को तरबियत दें उनकी, लेकिन जो तरबियत आपको इस्लाम सिखा रहे हैं, बच्चे को आपने मोहब्बत देना सिखानी है, एक दूसरे की मदद करना सिखानी है, क्योंकि आप एक दूसरे की मदद नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते ज़िंदगी में। एक दूसरे की मदद करना सिखाएं, बच्चों को मोहब्बत देना सिखाएं, बच्चों को इज्जत देना सिखाएं, ये आप सबका फ़र्ज़ है, आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में। तो ये चंद बातें थी जो मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ। वक्त की कमी है, वरना बहुत सी ऐसी बातें थी जो मैं चाहता था कि आप सबके साथ शेयर करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बस आप सब लोगों का, हमें अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।
कि आपसे रिलेटेड आपकी पोजीशन में जितनी भी चीजें हैं उन सब का ख्याल रखो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पोजीशन में हर एक चीज की लोगे तो आप खुद बहुत रिस्पॉन्सिबल भी बनना शुरू हो जाओगे और डिसिप्लिन बनना शुरू हो जाएगा। अब अपने पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या मराद, हम जब घर जाते हैं चकोर तलाश होगा को करना जुराबी में उस तेजती बेगम अबल सी तेजती कपड़े में अबल सी तेजती बेचे सहर से स्कूल ना वक्त है रामा ने बे यो सी स्पसी गुरु अबल सी स्पसी गुरु मंडे और पसे वो न मिला भी जाता है। तो ये जो नहीं मिलता आपको फिर चीजें और ये जो आप इधर उधर चीजें फेंक देते हो ये आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बन रहे जो पोजेशन आपके पास है जिन चीजों की। तो जो भी चीज है जो आपसे रिलेट करती है पोजेशन है जिनके आपके पास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो।